हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान पर। फ्रेंड्स, आज का एक टॉपिक है शरीर में एंटीऑक्सीडेंट क्यों ज़रूरी होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी काम करते ही थक जाते हैं और आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो इसका सीधा मतलब होता है कि आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो रही है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे सुपर फूड्स के बारे में बताएंगे जिन्हें खाकर आप लोग अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ही तेज़ी से पूर्ति कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन होने वाली है, इसलिए कोशिश करें कि इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, ब्लैक टी। आप लोगों ने ग्रीन टी के तो बहुत सारे फ़ायदे सुने होंगे, लेकिन ब्लैक टी भी किसी से कम नहीं है। ब्लैक टी में भी एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप लोग ब्लैक टी पीना भी शुरू कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट की पूर्ति के लिए। नंबर दो, ओट्स। आप लोग जानते हैं कि ओट्स सेहत के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह है वजन को कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के साथ साथ कई और बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। साथ ही साथ यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। नंबर तीन, कॉफ़ी। कॉफ़ी के अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। यह आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन याद रखें कि ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल ना करें। आप दिन में दो कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं। नंबर चार, पका हुआ केला। पका हुआ केला के अंदर अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है और अन्य विटामिन तथा मिनरल्स पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसलिए अगर आप लोग जल्दी काम करते थक जाते हैं, तो आप पके हुए केले यानी कि चित्तीदार केले का सेवन ज़रूर करें, एंटीऑक्सीडेंट की पूर्ति तेज़ी से होगी। नंबर पाँच, रेड वाइन। रेड वाइन जो काले रंग के अंगूर से तैयार की जाती है, उसमें पॉलीफिनोल जैसे तत्व पाए जाते हैं और उसी के साथ साथ यह शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की पूर्ति को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। नंबर छः, तरबूज। तरबूज के अंदर फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य मिनरल्स पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यह आपको वजन के नियंत्रित करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करते हैं। नंबर सात, बीन्स। बीन्स जो सब्ज़ी होती है वो खाने में ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती है, लेकिन उसके अंदर इतने सारे पोषक तत्व होते हैं, अगर आप सुनेंगे तो खुद ही चौंक जाएंगे। उसके अंदर फाइबर, मिनरल्स, पोटेशियम और भी अन्य तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी चीज़ होती है, वो है एंटीऑक्सीडेंट, जो आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। नंबर आठ, क्रैनबेरी। क्रैनबेरी को हिंदी में करौंदा कहते हैं। इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो आपको कई बीमारियों से बचाते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देते हैं। नंबर नौ, ब्राउन राइस। बहुत से लोगों को ब्राउन राइस खाने में पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसके अंदर पॉलिशिंग चीज़ें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उसका स्वाद कम हो जाता है। इसके अलावा यह है डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल वाले लोगों के लिए यानी कि जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ब्राउन राइस में पॉलीफिनॉल भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर पाया जाता है। नंबर 10, मछली। मछली के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई, विटामिन ए और अन्य तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, बीमारियों से लड़ने में आपको बचाता है और आपको हमेशा सुरक्षित रखता है। नंबर 11, अंडा। अंडा दुनिया भर में इतना ज़्यादा खाया जाता है कि अगर पूरी दुनिया की हम कैलकुलेशन करें तो उसमें 99% ऐसे होंगे लोग जो अंडे का सेवन करते हैं। अंडे के अंदर विटामिन ई होता है और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। अगर आप लोग अंडे का सेवन करते हैं तो आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है। इसलिए हर एक व्यक्ति ने अंडे खाने की सलाह ज़रूर दी है, चाहे वो डॉक्टर हो, हकीम हो, वैद्य हो, कोई भी हो, अंडे खाने की सलाह ज़रूर देता है। नंबर 12, ब्रोकली। ब्रोकली एक ऐसा सब्ज़ी है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, सिलेनियम, मैग्नीज, जिंक, पोटेशियम और भी अन्य तरह के
विटामिन्स पाए जाते हैं, काफ़ी सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन करके आप लोग अपने शरीर को इतना मजबूत कर सकते हैं कि आपको बीमारी छू भी नहीं पाएगी। कोशिश करें कि हफ्ते में एक या दो बार इस सब्जी का सेवन ज़रूर करें, या सलाद में भी इसे कच्चा खा सकते हैं। नंबर 13, नट्स। नट्स के अंदर आते हैं सारे सूखे मेवे, यानी कि बादाम, काजू, किशमिश और भी अन्य तरह की चीज़ें आती हैं। इनमें अच्छी मात्रा में विटामिन ई, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मिनरल्स, पोटेशियम और भी अन्य तरह की चीज़ें आती हैं। ये सभी चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। नंबर 14, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन सी या एंटीऑक्सीडेंट की कमी है तो आप लोग स्ट्रॉबेरी का सेवन कर सकते हैं। हर रोज़ 2 स्ट्रॉबेरी का सेवन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 15, नींबू। नींबू जितना खट्टा होता है उसके अंदर उतने ही अच्छे गुण होते हैं। इसके अंदर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर आप लोग नींबू का सेवन करना चाहते हैं तो आप लोग सुबह के समय खाली पेट नींबू पानी का भी सेवन कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दूसरे व्यक्ति के काम में आ सकती है, किसी आपके फ्रेंड के काम में आ सकती है, या आपको लगता है कि हमने इस वीडियो को बनाने में थोड़ी सी भी मेहनत की है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अपने फ्रेंड सर्कल में आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, ताकि हमें भी अच्छी मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छी अच्छी हेल्थ से जुड़ी हुई और वीडियो लेकर आते रहें।